माँ कुछ कीजिए, हमें इस मुसीबत से निकालिए। हम आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं माँ। जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती हैं, हम और आप उसे तोड़ या जोड़ नहीं सकते। लेकिन आप तो चमत्कारी देवी हैं माँ, आपकी कृपा से तो सब संभव है। माँ, धैर्य को हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। बचपन से लेके आज तक हमने उसे अपना बेटा माना है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा है हमने। रिया उसके लायक नहीं है माँ, अगर वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ, तुम हमारी सबसे प्रिय भक्त में से एक हो, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, पर तुम्हें भी बड़ी श्रद्धा के साथ हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। हमें बताइए माँ, हमें क्या करना है? समय सबसे बड़ा बलवान होता है, जो उसके साथ चलता है वो कभी नहीं हारता। धैर्य की शादी की बात चलाओ और 3 दिन बाद शादी रख लो। हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। जो आज्ञा माँ। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शादी 3 दिन बाद ही होगी। आप ये बताइए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं? अब नहीं माँ, अभी मॉम डैड को क्या परेशानी होगी, वो तो कब से वेट कर रहे हैं कि कब मेरी और धैर्य की शादी होगी, है ना मॉम डैड? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो लगता है आसुरत पश्चिम से निकला है। उसको सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी संतोषिया की शादी इतने बड़े घर में हो। हाँ जी, चलो चलो, बड़े घर के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ जी, चलो चलो चलो। तो मिस्टर टूबी धुवे राजा, फाइनली तुम शादी का लड्डू खाने जा रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर हस्बैंड? क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। I know धैर्य कि ये शादी बहुत जल्दी में हो रही है, पर हम एक दूसरे को कब से जानते हैं ना, and we love each other so much. Least, वो अरेंज मैरिज नहीं कर रहे, है ना? So you should say thank you to me, क्योंकि मैंने तुम्हें बोरिंग शादी से बचा लिया। थैंक यू तो मैं शादी के बाद बोलूंगा, वो भी अपने तरीके से। दक्षा और माधवी को कोई भूत सवार हो गया क्या? देखो कैसे नाच रही है। जब से संतोषी का रिश्ता तय हुआ है ना, ये दोनों सटिया गई हैं। पता नहीं कौन सी भूत सवार है, कैसे नाचे जा रही है। अरे संतोषी बेटिया, जे क्या कर रही हो? अरे अब जे सब काम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जे काम छोड़ो सारे हैं। जे काम ना कर, शादी होने वाली है, हमारे संग भी तो थोड़ा वक्त बिताओ। 3 दिन बाद तुम चली जाओगी, फिर कहाँ मौका मिलेगा। आ जा, 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 जा। हाँ जी, जी, तुम सही कह रही हो। अरे तुम तो मेरे लगा के रह गए, तुम तो क्या लगे हो भाई? क्या नाचे, हमें तो मधु मैडम की फिक्र सता रही है।
कैसे बात करें उनसे? संतोषी के लिए इतना प्यार पहले तो कभी नहीं देखा। अम्मा चलो ना थोड़ा टमका लगा लो। अरे तुम लगाओ ना। अम्मा तुम्हारी लाली संतोषिया की शादी है। अरे छोड़ो तुम, हम कुछ और काम करते हैं, वो काम देख कर आते हैं। अब तुम नाच तो ना रही हो, एक काम करो। ये लो, अब पहले सूची बना लो कि शादी में क्या क्या लाना है। अरे कंजूसी से मत लिखना। हाँ माँ अच्छे से लिस्ट बनाना। ओ जीजी वो है ना हमारा हीरा लाइट साउंड वाला। अरे तुम मुनिया की शादी में आया था। हाँ भाई उससे ना घर की सारी सजावट कराएंगे। पूरे बाराबंकी में उससे अच्छा सजावट करना हो ही नहीं सकता। सही है, एकदम सही बात है। जी 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 कुछ अलग करेंगे। वो खाने में वो क्या कहते हैं वो चाइनीज खाना बनवाएंगे। और हम क्या सोचेंगे कैसा रहे कि अगर हम बरातियों का स्वागत गुलाब के फूलों से करेंगे। और जी बस सांस ले लो। अजी जी हम भी हैं सोचने के लिए। थोड़ा तुम सोचो और थोड़ा हम सोचे। हम हाँ, कह देते इस बार हम कोनो कंजूस नहीं करेंगे। वाली अच्छी है साड़ी खरीदेंगे। अच्छी वाली साड़ी खरीदेंगे हम। तुम दोनों की तबीयत ठीक है ना? बुखार तो नहीं हो गया? अरे अम्मा जी हमें कहा तो बुखार होगा हमारे दुश्मनों को। हाँ, तुम्हारी ना आंखों की रोशनी कम हो गई है, नजर कमजोर हो गई है तुम्हारी। अरे हमारी संतोषिया की शादी है तो इसलिए हम बहुत खुश हैं और का। मगर तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे तुम ही डोली चढ़ने जा रही। आदत हो गई है तुम्हारी। हम लोग ना बाजार जाके सामान लेके आते हैं। अब बहुत कम पड़ा है। चलो चलो जी। अच्छा जी लाल साड़ी ना मुझे तो लाल रंग का पसंद है। बताओ मधु 3 दिन या फिर 6 महीने? अरे इसमें सोचना क्या है, 3 दिन बाद इज फाइन। आई थिंक वी नीड टाइम अरेंज करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए थोड़ा वक्त तो। अरे प्लीज अब 6 महीने में और वेट नहीं कर सकती, मैंने वैसे ही 4 साल वेट कर लिया है। नहीं इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी हम शादी के लिए तैयार नहीं। देख संतोषी बड़ी मुश्किल से मनपसंद रिश्ता मिलता है, हम क्या उसके लिए जल्दी तैयारी नहीं कर सकते? पर तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है जब पूरा परिवार यहाँ है। हाँ बेटा तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही। देखो हम है ना अपने काका पर इतना भी भरोसा नहीं। नहीं काका ऐसी बात नहीं। हाँ हम समझ गए, तुम्हें पैसों की चिंता सता रही है। लेकिन बेटे बड़ों के होते हुए बच्चों को पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बेटे हम अपनी पेंशन के पैसे लगा देंगे बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं होगी। और बेटा फिर संकेत भी तो है ना। ये सही कह रहे हैं संतोषिया, अब बड़ों की बात नहीं मानेगी का? संतोषी कसम है तुझे अपनी दादी की, अगर एक बार भी तूने शादी से इनकार किया, देख बेटा पहली बार तेरी जिंदगी में कुछ शुभ होने जा रहा है, उसे हम किसी भी कीमत में रुकने नहीं देंगे। बिटिया अम्मा सही कह रही है, हम सब नाम के हैं का है? तुम्हारी शादी ना बड़ी धूमधाम से करेंगे। हाँ माधुरी के गहने भी गिरवी रखने पड़े ना और तो रख देंगे। हाँ हाँ हम जीजी के कपड़े वपड़े भी बेच देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं आने देंगे। बिटिया बहुत धूमधाम से करेंगे तुम्हारा ब्याह। बिटिया का है दुल्हन बनने जा रही हो, अच्छा तो मुस्कुराहट तो लाओ। सही जी ले, ले। काका का और संकेत का मुंह मीठा करा दे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।